नमस्कार दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ओप्पो A74 की। जहाँ पे सबसे पहले इस बॉक्स को खोलते हैं जल्दी से जल्दी। अगर बॉक्स को खोलते हैं तो एक अंदर एक और सेक्शन मिलता है। इसके अंदर हमें मिलता है सिम स्टोनलेस टूल, मिलता है केस वगैरह, मिलता है कुछ कवर, मतलब कि गारंटी वारंटी वगैरह कोई मिल जाती है। उसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पे, तो बॉक्स के अंदर हमें मिलता है चार्जर, जहाँ पे 25 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, जो कि USB-C to Type-A आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे जो है क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है चार्जर की, जहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे अभी देखने वाली बात है कि सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सौरभ चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। 5 वोल्ट का चार्जर यहाँ पे दिया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर Type-C to Type-A यहाँ पे USB केबल मिल जाती है, जो कि बिल्ड की काफी अच्छी है। अभी कोई आपको दिक्कत वगैरह परेशानी वगैरह नहीं आने वाली है। और कड़क जो क्वालिटी है, क्वालिटी भी बहुत ही यहाँ पे कड़क यहाँ पे निकल के आती है। और साथ में यहाँ पे निकल के आते हैं हमें एयरफोन, जो कि ओप्पो एक एक ही ऐसी कंपनी है जो कि अपने फोन्स के अंदर जो है एयरफोन अलग से देती है। और जो एयरफोन की क्वालिटी रहती है वो भी तगड़ी रहती है, जो कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 3.5 जैक के साथ आते हैं। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी भी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब जो जो जैक भी आपको साथ मिलेगा, आपको किसी को अदर स्पोर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वो साइड में रखते हैं, अपने फोन को यहाँ पे ओपन करते हैं। और फोन को सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जो है फोन आप देखेंगे तो बहुत ही यहाँ पे अच्छी है। यहाँ पे 6.5 इंच का LCD+ डिस्प्ले मिलता है, और बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जो यहाँ पे जो इसमें 2 साइनिंग कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। डिजाइन वगैरह कुछ बाकी कैसा लगा वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए हैं। बाकी मैं अगर अपनी बात करूँ तो डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि 2 शेड्स से यहाँ पे आ रही हैं। और यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, जो कि सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। पावर बटन के साथ में जहाँ पे क्वालकम Snapdragon 485G के साथ आता है, जो कि बजटेड रेंज के फ़ोन होते हैं 5G वाले, उन सभी में यही हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है। और इसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करूं यहाँ पे, तो बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये फ़ोन लग रहा है। और ऊपर हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, और Type-C पोर्ट नीचे की तरफ में मिलता है, माइक्रो USB केबल मिलती है, और स्पीकर ग्रिल वगैरह देखने को मिलती है, नॉइस कैंसिलेशन वगैरह भी देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो कैमरा लगा है 48 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर है, उसके बाद सेकेंडरी है 8 मेगापिक्सल का, फिर 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लगाया है। और सेल्फी की बात करते हैं, यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। और फोन को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि फोन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अगर जैसे फोन को अभी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे, तो फोन को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, तो फोन सेटिंग्स वगैरह हम देखेंगे फोन में हमें क्या क्या सेटिंग्स देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सर दोस्तों हमें Android 11 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, और जो One UI के साथ आता है, जो यहाँ पे जो One UI है बहुत ही नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों मैं बात करूँ ये अगर इस फोन की, तो ये फोन जो है प्राइस की बात करूँ 25,000 तक ये जो फोन है वो इंडिया में लॉन्च होगा। और इस अगर दोस्तों अगर आपको जो है मतलब इसमें जो है मतलब अगर मैं बात करूँ तो LCD की डिस्प्ले मिल रही है, अगर AMOLED डिस्प्ले मिलती तो और भी अच्छी बात थी इस प्राइस रेंज। बाकी आपको कोई और सुझाव वगैरह, कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों बस आज की टेक्नोलॉजी यहाँ पर ही खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले। और अगर कोई आपको सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।